एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पायल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी ये बायोटिक का आयुर्वेदा शैम्पू का रिव्यू, आलमंड वाला जो शैम्पू है उसका रिव्यू। सो इसने मेरे हेयर पे कैसा वर्क किया एंड ये कैसा है, सब कुछ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो गाइस, ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है एंड इसका प्राइस है 195 रुपीज़, बट आपको ये ऑन ऑफर में मिल जाएगा सस्ते में, लाइक 10-5% ऑफ रहता है ये फ्लिपकार्ट से। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बाय किया था, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। सो ये है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो वॉलनट बाक, मीन्स वॉलनट के छिलकों से बना हुआ है ये, एंड वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू आपके हेयर को वॉल्यूम देता है, फॉर फाइन एंड थिनिंग हेयर, मीन्स आपके हेयर को मजबूत बनाने के लिए। बट गाइस, पर्सनली मैं बताऊँ ना तो इसने ना मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा रफ किया, मतलब मुझे पर्सनली ये उतना पसंद नहीं आया बिकॉज मेरे हेयर ना काफ़ी ज़्यादा रफ हो गए थे। बट या गाइज, अगर आपके हेयर काफ़ी पतले हैं, आपको एकदम पतले बालों की प्रॉब्लम है, लाइक आपके बाल एकदम दिखते हैं अलग ही, आपको पतले बालों की प्रॉब्लम है या फिर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, सो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। बट ये आपके हेयर को सॉफ्ट, शाइनिंग एंड मॉइस्चराइज करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है बिकॉज ये आयुर्वेदा है। सो इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे आपके हेयर सॉफ्ट रहे या फिर स्मूथ लगे, ये हेयर को काफ़ी ज़्यादा रफ कर देता है। मुझे पर्सनली, मेरे हेयर काफ़ी ड्राई है, सो इसने मेरे हेयर को और ज़्यादा ड्राई कर दिया। बट गाइज, अगर आपके हेयर ऑयली है, आपको ऑयली हेयर की प्रॉब्लम है एंड आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा पतले है एंड मजबूत नहीं है, तो आपके लिए ये बेस्ट शैम्पू है, ट्राई इट, काफ़ी बेस्ट शैम्पू है अगर आपके हेयर ऑयली है तो। अगर आपके हेयर मेरी तरह ड्राई है या फिर एक्स्ट्रा ड्राई है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये वाला ट्राई मत करना बायोटिक में। और भी शैम्पूज है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए ऑफकोर्स अच्छे हैं, मैं ट्राई करूँगी। मैं देखा है मैंने, बट अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, बट या मैं ऑर्डर वो करूँगी सो मैं आपसे उसका रिव्यू करूँगी। बट ये वाला फॉर ऑयली हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आपके हेयर ऑयली है तो इसे आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करना, एंड अगर आपके हेयर ज़्यादा ही कमज़ोर एंड थिन है तो भी आप इसे ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा है। मेरे हेयर खैर इतने थिन नहीं है, इनफ है, मेरे हेयर में काफ़ी वॉल्यूम है, बट थोड़े मेरे हेयर ऐसे कमज़ोर हो गए थे सो मैंने इसे ऑर्डर किया था। बट मुझे पर्सनली उतना नहीं पसंद आया बिकॉज इसने मेरे हेयर बहुत ड्राई कर दिए थे, बिकॉज मेरे हेयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्राई है एंड इसे यूज़ करने के बाद मुझे मेरे हेयर काफ़ी ड्राई लग रहे थे। सो अगर आपके हेयर भी ड्राई है तो डू नॉट ट्राई दिस, सॉरी फॉर सिटी। सो अगर आपके हेयर भी ड्राई है, सो गाइस प्लीज डोंट ट्राई दिस। अगर आपके हेयर ऑयली है सो मैं इसे ज़रूर आपके लिए रेकमेंड करूँगी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कि आपको कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली आपको हेयर गीला करना है, शैम्पू लगाना है एंड वॉश करना है, एंड इसमें क्या क्या है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है साइड में। सो यह आलमंड वाला है एंड गाइस, आलमंड आपके फेस हो या फिर आपके हेयर हो से ऑफकोर्स ड्राई करता ही करता है। मैंने जब ऑर्डर किया था ना, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने सिर्फ थिकनेस के लिए इसे ऑर्डर कर दिया था बिकॉज मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा लाइक पतले हो रहे थे इस वजह से, बट यहाँ मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे इसकी वजह से। सो या एंड गाइज, अगर आपने ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर बताना आपके ऊपर ये इसने कैसा वर्क किया है, एंड इसे मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मैं बिना यूज़ करे कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। सो या बट पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं आया बिकॉज इसने मेरे हेयर ड्राई किए, बस इसलिए। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है एंड ऑयली हेयर के लिए तो बेस्ट शैम्पू है। सो अगर आपके ऑयली हेयर है तो प्लीज़ ट्राई इट। सो या आई होप गाइज, आपको ये मिनी सा रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। एंड जिसे भी लाइक कमज़ोर हेयर की, थिन हेयर की प्रॉब्लम है, आप उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हो। सो या आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर। सो या गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।